चांद क्या छुप रहा है बादलों के पीछे? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और मैंने सबसे पहले उठ के यही काम किया है कि मैं आज नहा लूँ और अच्छे से रेडी हो जाऊँ। आज मैंने नया सूट पहना है और हाथों में चूड़ा भी पहनूंगी क्योंकि मेहंदी लगी हुई है, सो अच्छा भी लगेगा। तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। स्किन केयर अभी तक करना बाकी है तो एक बार स्किन केयर कर देती हूँ। मैं कंप्लीट रेडी मिल गया, यानी मेकअप में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ओनली वो स्किन केयर किया है और बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब चूड़ा वूड़ा पहनती हूँ, फोन का रखूँगी करके पहन के फिर दिखाती हूँ। चूड़ा पहनना कर दिया अभी कैंसिल, क्योंकि अभी क्या मेहंदी लगी हुई, मुझे थोड़ी थोड़ी हाथों में जलन हो रही है तो मैंने कहा यार नहीं पहनती हूँ, शाम को पहनना है क्योंकि फिर स्वेटिंग की वजह से ज़्यादा जलन होगी क्योंकि चूड़ा फिक्स हो जाता है मेरे हाथों में। इसलिए तो अभी मैं करने बैठी हूँ पूजा। मम्मी ने कहा आज पूजा तू कर दे, मुझे थोड़ा सा काम है। सो अभी ये जस्ट मैंने बर्तन धोए, इन बर्तनों को धोने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। और माता जी अभी कुछ ऐसे लग रहे हैं, सब जगह पे साफ सफाई तो मैंने कर दी है। अब बस भगवान को स्नान करवाती हूँ और फिर जब तिलक कर दूंगी सब जगह और फिर तैयार कर देती हूँ। पूजा करने के बाद बहुत सारे कपड़े पड़े थे तो सारे समेटे, अभी इनको जगह पे रख रही हूँ। और एक बज रही है अभी, वैसे ही लॉलो फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। शॉप पे भी जाना है पर आज थोड़ा घर में थोड़ा फंक्शन भी है, उद्यापन है, थोड़ा घर में काम है सो काम करेंगे। और हालतें ख़राब हो रही है धीरे धीरे क्योंकि सुबह मैं उठना भी भूल गई थी। उठी तो थी पर नींद इतनी आ रही थी, मैं सो गई यार। सारे कपड़े मैंने एक एक जगह पे रख दिए हैं, फिर साथ ही साथ मैंने बेडशीट भी लगा दी क्योंकि बेडशीट में इसलिए इतने टाइम तक इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि जो बेड का मेन मैट्रेस का कवर था वो लगाना था, वो लगाया तो कवर ही पूरा लगा के लगा पूरी मैट्रेस को ऊपर पूरी एक लाइन आ गई थी। वो क्या अभी सफाई के चक्कर में कैसे खींच लिया था तो ऊपर का जो मेन स्पॉन्ज होता है वो टेढ़ा हो गया। फिर मैंने जो मैट्रेस है वो उल्टा कर दिया है तो अब हार्ड वाला पार्ट है वो ऊपर आ गया। अच्छा नहीं लगता ऐसा तो बिल्कुल, और थक भी गई इसके चक्कर में, प्यास भी लग गई है। नहीं काम होता फ्री होता, एक एक काम निकाल के बैठे। और अभी मम्मी पापा के लिए और चिकू के लिए खाना बना रहे हैं, लेट भी काफ़ी हो गए जैसे कि आप देख सकते हो 2 बज गई अभी। चिकू अभी खाना खाने बैठे, चिकू को तो आज इनकी फेवरेट रोटी खाने मिल रही है कड़क कड़क। काम कर रहे, फ़ोन पे बात भी कर रहे साथ साथ में खाते खाते। ये जो चिकू के कपड़े हैं समेटते समेटते, ये क्योंकि हैंगर में लटकाने होते हैं तो जो खाली हैंगर के वो ढूंढती हूँ। ये हैंगर में लगा देती हूँ, फिर साथ में इसको भी संभाल के रख देती हूँ। अब रूम में थोड़ा नीट एंड क्लीन ज़्यादा लग रहा होगा। अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, चिकू ने खा लिया है, अब चिकू मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं तो मैं साथ में आज ये लहंगा भी लेके जा रही हूँ क्योंकि ये लहंगा मुझे शाम को पहनना है। अब लेके जाती हूँ, भारी तो बहुत लग रहा है, अंदर कैन निकाल दूँ सोच रही। नेहा का और रोशनी का इनका भी फ़ोन आ गया है, आज दिन तो जैसे करके निकालना। मैं आ गई हूँ शॉप पे और मैंने अभी यहाँ पर मेरा लहंगा पहन के देख लिया है, अंदर से कैन निकाल दिया है तो इतना अच्छा फ्री लग रहा है लहंगा। अब आज मैं पहन पाऊँगी और कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरे रिसेप्शन का लहंगा है और यहाँ पर नेहा ज्वेलरी निकाल रही है, एक पूरी सेम ऐसी है। नीचे देख, नहीं पूरी मरून कलर की है, फाइनल डिसाइड करते हैं फिर बताते हैं हम आपको कि क्या है। वहाँ रोशनी मैडम तो भूख प्यास से बेहाल हो गए, ये बोल रही है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, अभी जस्ट लहंगा निकाला है सो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है इसका व्लॉग बना हुआ है तो लो बना दिया बस व्लॉग। अटली वो सानी सानी थे बेटी है नवाई तारो सुर थे। ये चांद क्यों छुप रहा है बादलों के पीछे, हाथों के पीछे? चांद आपको ही दिखता है। ये समेट के रख देते हैं, ब्लाउज थोड़ा टाइट आ रहा है क्योंकि शादी के टाइम का है इसलिए अब इसको थोड़ा खोल देते हैं। मोटी हो गई हूँ, फुटबॉल बन गई हूँ ऐसे बोल रही है मैं। हमने अभी डिसाइड किया है बिना दी को कि एक्चुअली मम्मी के लिए साड़ी लेनी है तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ मार्केट में, और बिना दी का सारा पूजा पे का सामान भी लेना है तो चलो लेके आते हैं। मैं और नेहा दोनों गाड़ी लेके आए, सो नेहा स्कूटी लेके आ रही है मेरे सब, कल नहीं आ रही थी। चलो बाय।
कौन है अपनी फ्रेंड्स। मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करके, सारा ये शॉपिंग करके बिनाती के लिए लेके आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अब मैं मेरा थोड़ा क्लीन अप करवा देती हूँ, क्योंकि फेस पर थोड़े से वाइट हेड्स आ गए, तो मेकअप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कल फेशियल तो हो गया है, फेशियल के आईब्रो तो बना दी, वो भी टूटी फूटी बनाई, इधर से मेरे खांडी कर दिए। ले चलो अब क्लीन अप करो मैडम, बातें पसे करो। कल की मेरे क्लीन अप के लिए मुझे ऊपर थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। यहाँ पर मेरा क्लीनअप हो चुका है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा शीट मास्क लगा है। ये एकदम मस्त रोज वाटर का मामा का शीट मास्क हमने अभी लगाया है, क्योंकि अच्छे से स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, ताकि फेस भी अच्छा खिला खिला सा दिखेगा। आपको रिजल्ट देखने मिलेगा अभी। और थोड़ा बहुत कुछ काम है, साथ ही साथ काम भी कर लेते हैं, बहुत सारे काम निपटा है हम लोग, करवा चलते थे काम पे काम कर रहे जा रहे हैं। हनी आ चुका है, इससे ब्लॉग चलता है। हाँ हनी आ चुका है और अब हम जा रहे हैं दोनों जने घर पे, क्योंकि इसके मामा यहाँ पर काम कर रहे हैं, मस्ती से खा रहे हैं, पूरा दिन दबा दबा के खाया है। चालू है हमारी गाड़ी, चालू। ले चलो बेटी ये पकड़ लो जरा, करवा चौथी स्पेशल। अच्छा वो दो रहे इसलिए बेटा, कैसे तबीयत कैसी है? दो घंटे तीन घंटे और हैं, पुराने घर पे गए थे, वहाँ पे हो गई है सब तैयारी। अब हम हो रहे हैं रेडी, अभी यहाँ पर पास में बिना दी बैठे हुए और मैं मेरा मेकअप करूँगी। फाइनली अब रेडी होने का टाइम आ गया है, प्याज भी बहुत ज़्यादा लग गई है। आलू पानी ना टाइमर लग रेडी हो गई, सिर्फ बिंदी लगानी है, ज्वेलरी पहन लेती हूँ, लहंगे दुपट्टा अच्छे से सेट कर देती हूँ। मैं कंप्लीट रेडी हूँ, आप देख सकते हो मैंने मांग टीका नहीं लगाया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, बिना दिन का ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। तो हो गई हूँ तैयार, अब जाती हूँ बाहर और मम्मी के भी थोड़ा सा सामान लाना बाकी रह गया तो लेके आती हूँ। चलो अब प्याज ज़्यादा लग रही है, बाय बाय कैमे। क्या लग गई लगी, ये उस दुकान से लेने जा रहे हैं अभी सामान लेके। हम दोनों आ गए हैं वहाँ से, पूरा कंप्लीट ले लिया सामान, वो तो अच्छा वो थोड़ा जल्दी पता चला, नहीं तो थोड़ा लेट चलता, दुकान सारी बंद हो जाती। यहाँ पर बन रही है बाटियाँ, पूजा की थाल ये सज चुकी है, सबके करवे भी यहाँ पर आ गए हैं, माता जी का श्रृंगार, ये भी नदी का पूजा पा, सब चीज़ें कंप्लीट हैं। और अब जा रहे हैं हम कथा सुनने के लिए, और बैटरी सबकी लो हो रही है अब धीरे धीरे। आपकी बैटरी कैसी है अभी, कितने परसेंट चार्ज है? किसकी? मेरी की है। यहाँ पर ये करवे बंधा रहे, ये माता जी की पूजा हो रही है। ये माला सोच रही है ये क्या करने छप जने, मुझे बताओ ना, वो मम्मा ने इतना अच्छे पेरेंट ट्रीट बने, वाह मस्त लग रहा है। दीदी इंडियन प्रॉपर लुक में, हमेशा जींस
केले ना जगस्त नहीं थी मम्मी अब पास भी जा ले लेना मैंने ले ली तो मारे ले ची हाँ एम देखी लो वीडियो ले लो ना वीडियो तो ले शर्मा बेटा तो हो गया उसकी उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का लालन पोषण किया भीख मांगकर रहती हुई ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में अपने पुत्र का लालन पालन किया संकट चतुर्थी पूजा व्रत करने लगी पवित्र आचरण वाले भीख मांगकर लाए हुए तीनों से 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर बताए हुए विधि विधान से सदैव पूजा करती रही। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर कौन है यू पुआ जी बड़े पू है बड़े पू अरे खुल गया अपराधी पूछ रही हूँ। हाँ खुल गया ना। वीडियो कॉल से जिया जी को भी दिखाओ। रख दिया। रख रहे। ये जिया जी ने ऑनलाइन व्रत खुलवाया है। जिया जी ने भी पानी पिया है। बिना दिन तिलक भी किया है। हाँ जिया जी तो फेवरेट चॉकलेट है जिया जी ये तो मेरी ना प्लीज बनाओ ना प्लीज 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 ऐसे तो क्या करते हो क्या है वो आपका पति इधर देखो पापा मैं आप तो उधर ही देखो मम्मी ऐसे ही करते सब ना बस बढ़िया चाल से चल चला छोटा मोटा लेवर है ना कहता नहीं चला आप ही आ जाओ और खा पानी पिया तो फाइनली टाइम आ गया हमारा व्रत खोलने का पति देव आ चुके हैं पति 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 मुंह दिखा दे यस यस पति यस स्मार्ट यस नहीं नहीं बापू नहीं ए फोन साइलेंट कर तू अभी डिस्टर्ब नहीं थोड़े पास में आ जाओ भाभी बस कर बाप ने सांप चुका भी दीदी गला बैठ जाएगा मेरा व्रत हो चुका है बहुत देर बाद पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है अब पूजा की थाली वगैरह लेके चांद भगवान के दर्शन करके अब हम नीचे जा रहे हैं वहाँ पर याची भाभी और अमन भैया का भी व्रत खुल के हम पूजा करके आ गए हैं और व्रत भी खोल दिया है अब आ जाती है घर पे आके चेंज करने की बारी पर मैं चेंज नहीं करूँगी खाना खा के फिर ही चेंज करूँगी सोच रही हूँ दोनों तरफ सोचना आ रहा है अब साड़ी निकालनी पड़ेगी पहननी पड़ेगी इससे बढ़िया तो वह इसी कपड़े में व्रत खोल दूँगी
मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए नहीं लाए? ये आपका गिफ्ट। ओ क्या है? गिफ्ट यूं थोड़ी ना पता चलेगा क्या है। देखो राधा कृष्ण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है, कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा। अब भूख भी लग रही है तो सब जने बाहर इकट्ठे हो गए, तो बाहर जाके व्रत खोल देते हैं। चलो फाइनली खाना खाने हम बैठ गए हैं, सबकी यहाँ पर बाजी लग रही है। यश ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये भाभी और मम्मी वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाने बैठे तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो क्या नाटक तो करना ही पड़ेगा ना, नाटक मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सब जने खाना खाने यहाँ पे बैठे हैं। और क्या पबजी खेल रहे, क्या कर रहे? ये हमारा खाना आ गया, दाल कड़ी और ये बाटी देसी स्टाइल की, एकदम फेवरेट है चिकू की तो। एकदम प्लेट में आप देख सकते हो बाटी की क्वांटिटी। मेरे खाना नहीं है, आपको खाना नहीं खाना। फाइनली हम बातें कर करके अब थक चुके हैं और 12:30 हो गई हैं तो सो जाते हैं। 12:30 हुई है, एक बज गई 11:30, एक बज गई है, अब सो जाते हैं। करवा चौथ का व्रत हो जाता है ख़त्म, बस व्रत खोल दिया। इसके बाद कड़ी बाटी खाई है, थोड़ी एसिडिटी जैसा भी लग रहा है। अब यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग तो आपको अच्छा लग ही गया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय। भले थक चुके हैं पर फोटोज तो देखने ही पड़ेंगे कैसे आए हैं। ओ वाओ, ये नीचे वाला तो बोलना मुश्किल है। डरो ना, अच्छा वो वीडियो देख ये मस्त है। रियल में देखना ना, क्या फोटो है मस्त है वो। इसमें देखो मेरी आंखें कितनी अच्छी बंद है क्या।